ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सुस्ती एक्चुअली में क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होता है, उपचार क्या होता है, और हम आपको घरेलू उपचार भी हम आपको बताएंगे, साथ में घरेलू नुस्खे बताएंगे। तो सबसे पहले सुस्ती क्या है? कई बार शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती है, शरीर एकदम थका हुआ सा महसूस रहता है और बहुत कमजोरी महसूस होती है। कई बार आलस इतना होता है कि हमेशा नींद आती रहती है। इसी अवस्था को लिथार्जी या सुस्ती कहते हैं। तनावपूर्ण माहौल या पोषण की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है। कई बार रात में अच्छी नींद न सोने पर भी अगले दिन थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन ज्यादा सुस्ती शरीर के लिए बेहद हानिकारक भी है। कई बार यह सुस्ती मौत की वजह भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा सुस्ती से ब्रेन के सेल्स भी सुस्त होने लगते हैं और धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं। पूरे शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जो कई समस्याओं के कारण हो सकती है। ऐसे में शरीर को एक्टिव बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। सुस्ती कुछ बीमारियों की वजह से भी होती है, जैसे हृदय रोग। जिस किसी भी व्यक्ति को हृदय रोग होता है या हार्ट अटैक आता है, चिकित्सक बताते हैं कि लगभग 70% मामलों में ऐसे व्यक्ति को हफ्ते पहले से ही सुस्ती महसूस होने लगती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में लक्षण ज्यादा नजर आते हैं। फिर लीवर की समस्या। यदि कोई लगातार सुस्ती महसूस करे तो लीवर पर प्रभाव पड़ सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो कोई ड्रग लेने की लत हो तो हेपेटाइटिस सी की संभावना रहती है। हल्का बुखार, भूख न लगना और शरीर में दर्द इसके लक्षण हो सकते हैं। फिर एनीमिया। शरीर में आयरन की कमी भी सुस्ती का कारण हो सकता है, खासकर महिलाओं में। पीरियड्स, प्रेगनेंसी, फीडिंग के बाद महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, जिसके रंग पीला पड़ने लगता है, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है और सुस्ती छाई रहती है। कई बार थायराइड संबंधी समस्याएं भी सुस्ती का संकेत बताती है, खासकर मध्यम उम्र के लोगों में। थायराइड ग्लैंड T4 और T3 जैसे हार्मोन्स बनाती है, लेकिन मिड एज में यह जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। अभी सुस्ती के लक्षण होते हैं, अब कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको सुस्ती हो छा रही है? तो इसके अपने कुछ लक्षण होते हैं, जो लक्षण मैं आपको बता देता हूं। आपको एकांत बड़ा अच्छा लगेगा, कमजोरी महसूस होगा, किसी काम में आपको मन नहीं लगेगा, छोटे से छोटा काम करने में भी आपको चिड़चिड़ाहट होगी, हर समय नींद आएगा और आलस आएगा, हर समय लेटे रहने का मन करेगा आपको, मन में हमेशा नकारात्मक विचार आएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं इसके कारण, सुस्ती के क्या कारण है। सुस्ती का अनुभव सभी को होता है, लेकिन थोड़ा आराम करने या रात की नींद के बाद अगली सुबह तक सुस्ती दूर हो जाती है। यदि इसके बाद भी सुस्ती बने रहे तो यह बीमारी का संकेत हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को सुस्ती का असर न केवल उसके शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी पड़ता है। सुस्ती व्यस्त दिनचर्या, खराब जीवन शैली, बीमारियां, अनियमित और असंतुलित खानपान व अन्य कारणों से हो सकती है। आमतौर पर अच्छी नींद लेने और दिनचर्या में बदलाव से इस बीमारी को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई बार चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है। इसलिए अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। इसलिए जो सामान्य उपचार है, उस सामान्य उपचार में आपको बता देता हूं। आप रोज योग करें और व्यायाम करें, सुबह की ताजी हवा में टहलें, तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें, खाने में विटामिन की मात्रा बढ़ाएं, कम से कम 8 घंटे की नींद आपको जरूर पूरी करनी है। आंवले का मुरब्बा भी शरीर को स्फूर्ति देता है। हल्का संगीत हल्की आवाज में सुने, इससे भी मानसिक सुस्ती दूर होती है। कई बार सुगंधित तेलों की मालिश से भी शरीर की सुस्ती और सुस्ती मिटाई जा सकती है। संतुलित और पौष्टिक भोजन करें, जिसमें हरी सब्जियां, दालें, दही और मौसमी फल शामिल हों। अपनी उंगलियों के पोरों से चेहरे को मसाज करें, ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और व्यक्ति हमेशा एक्टिव महसूस करेगा। अभी हम आपको बताते हैं इसके घरेलू उपचार। आधुनिक भरी जो जिंदगी हम जी रहे हैं, इसमें हमें कई तरह के तनाव हमेशा रहते हैं,
ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति थक जाता है। थकावट हर किसी को होती है, परंतु कई लोगों को पूरे शरीर में दर्द की शिकायत रहती है। दर्द को कम करने के लिए लोग अक्सर पेन किलर ले लेते हैं। ये दवाएं तुरंत आराम देती है, परंतु लंबे समय तक इसका प्रयोग नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम आपको इसको घरेलू उपाय बताते हैं, घरेलू नुस्खे बताते हैं। ग्रीन टी आप पीते होंगे, तो सबसे पहले ग्रीन टी। थकावट को दूर करने के लिए एक कप ग्रीन टी पीना बेहद प्रभावी है। नियमित रूप से ग्रीन टी पीने से वजन भी कंट्रोल में रहता है। मांसपेशियों में दर्द होने पर आप ग्रीन टी बेहद लाभकारी है। फिर अदरक की चाय। अदरक की चाय कुदरती पेन किलर के रूप में कार्य करती है। यह व्यक्ति को तरोताजा भी महसूस कराती है। तुलसी के काढ़े में अदरक मिलाकर भी पिया जा सकता है। फिर है सौंफ। किसी पकवान में स्वाद बढ़ाने के साथ ही सौंफ सांस में ताजगी लाने में बेहद प्रभावकारी है। सौंफ का प्रयोग रसोई में जरूर होता है। सौंफ खाने से पेट साफ रहता है और आप खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। फिर अजवाइन। अजवाइन के पत्ते भी दर्द निवारक दवा की तरह काम करते हैं। यह शरीर के टूटे फूटे अंग की मरम्मत करता है और जोड़ों के दर्द में बहुत लाभप्रद होता है। फिर पंपकिन सीड मतलब कद्दू का जो बीज होता है, कद्दू के बीज में मैग्नीशियम होता है जो आलस व थकावट से लड़ने में मदद करता है। आधे घंटे की एक्सरसाइज में अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप में मैग्नीशियम की कमी है। व्यायाम के दौरान शरीर में ऑक्सीजन के निर्माण के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। इसकी कमी की वजह से थकावट जल्दी होती है। फिर अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड न केवल थकान और आलस को राहत देता है बल्कि अवसाद से भी मिटाता है, बचाता है। इसलिए अखरोट खाने से आपकी झपकियों की समस्या दूर होगी। फिर अनाज होल ग्रेन। अनाज में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए आलस और थकान मिटाने के लिए यह मददगार साबित होता है। अनाज में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये थकान से लड़ने में मददगार होते हैं। फिर लाल मिर्च। लाल मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है जो थकान दूर करता है। लाल मिर्च से दिमाग एक्टिव रहता है और हमें हमेशा तरोताजा महसूस करते हैं। फिर दही। दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को मजबूत रखते हैं। 4 सप्ताह तक दिन में 2 बार दही खाया जाए तो शारीरिक और मानसिक सेहत के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और थकान भी कम होती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।